सच अवेटेड स्मार्टफोन नथिंग हर जगह नथिंग हो रहा है। एक सेकेंड नथिंग फोन टू एक्साइटेड। अरे यार इस फोन की इतनी हाइप हो गई है, आप तो छोड़ो 11 मुल्कों की पुलिस भी पड़ी है इस फोन के पीछे। ऐसा क्या खास है इस फोन में, क्या नया है? नथिंग फोन 1 से क्या अपग्रेड है भाई? टेस्ट करना तो बनता है ना, क्यों जनता? यस। वैसे मेरे पास दो फोन आए हैं, एक ये ग्रे वाला है और एक ये व्हाइट वाला है। व्हाइट वाले की अनबॉक्सिंग पहले कर दी है क्योंकि रहा नहीं जा रहा था यार, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वाला डार्क ग्रे वेरिएंट है, नथिंग फोन 1 के जैसे ही पैकेजिंग है भाई। सच बताऊं ना, सबसे सेटिस्फेक्शन जो अनबॉक्सिंग लगती है मुझे नथिंग फोन की लगती है भाई। और इसको देखो, आराम से ऐसे खींचो, भाई मजा आ जाता है। पैकेजिंग तो प्रीमियम है भाई। और ये रहा नथिंग फोन 2। ओके, इसके अंदर क्या है? ये है नथिंग फोन 2 की जन्म कुंडली। क्विक गाइड है, ये बस हवा खाने के काम आता। और इसके अंदर है, ओ भाई, ओह यंत्र तो काफी इंटरेस्टिंग है यार। टाइप सी टू टाइप सी केबल है, ये भी ट्रांसपेरेंट है यार। काश वो भी ऐसी ट्रांसपेरेंट होती मेरे साथ। एक सेकेंड, मैं तो सिंगल हूँ। पैकेजिंग इज प्लास्टिक फ्री। ओ भाई, फटाफट से फील ले लेते एक बार। नए फोन की फील लेने का मजा ही कुछ और है। सो ये है नथिंग फोन 2, ये ग्रे वाला वेरिएंट है और ये व्हाइट वाला। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस फोन को लेके? सच बताऊं तो भाई देखा लग रहा है, बट डिफरेंस है इसका जो बैक है, ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट है नथिंग फोन 1 के जैसा। अगर आपने नथिंग फोन 1 यूज किया है, एक चीज आप डिफरेंस नोटिस करोगे, इसका ये जो बैक है ना, ये हल्का सा उठा पड़ा है। तो जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे, आपका जो इसका बैक है वो हल्का सा आपको बाहर की तरफ फील होगा। नथिंग फोन 1 में ये एकदम फ्लैट था, ये देखो साइड से हल्का सा उठा पड़ा है, बंप है। जब आप फोन को हाथ पे पकड़ते हो, थोड़ा सा ये फोन आपको लंबा फील होगा। इसका जो फ्रेम आप देख रहे हो, ये मेटल फ्रेम है। अच्छी बात ये है कि ये एक रिसाइकल मटेरियल से बना है। यहाँ तक इसमें जो वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, ये सब रिसाइकल मटेरियल से बना है। 8.6 mm इसकी थिकनेस है। हाँ, ये फोन आपको थोड़ा सा मोटा लगेगा, तो ये आपको ज्यादा मोटा भी फील नहीं होगा, ज्यादा पतला भी फील नहीं होगा। लेकिन इसमें मेटल फ्रेम होने की वजह से इसका जो इनहैंड फील है वो सॉलिड है, प्रीमियम फील होता है। एक बार इसका वेट चेक कर लेते हैं भाई, 201 ग्राम। तो फोन हैवी तो है भाई। इसके डिजाइन को लेके सबसे पहले आपका सवाल होगा, भाई क्या नया है इसके डिजाइन में? बैक से देखने में आपको ये सेम लगेगा नथिंग फोन 1 के जैसा, लेकिन नथिंग वालों ने इसमें काफी सारे ट्विक कर रखे हैं। ग्लिफ इंटरफेस को एक बार देखते हैं। इस बार जो कटआउट है वो काफी ज्यादा है, जैसे देखो यहाँ पर। पिछली बार ये जो था पूरा ये राउंड था, बीच में कोई कट नहीं था, बट ये देखो इस बार यहाँ कट है, यहाँ कट है, यहाँ कट है। इवन अगर आप कैमरे पे भी देखते हो, ये देखो यहाँ पे भी कट है। नीचे चार्जिंग की साइड सेम है। लास्ट टाइम नथिंग फोन 1 में 12 अलग अलग एलईडी लाइट्स थे, बट इस बार नथिंग फोन 2 में 32 इंडिविजुअल एलईडीज यूज की गई है। और ये हम ग्लिफ इंटरफेस फेस पे गए, तो यहाँ रिंगटोन पे जाते हैं। ओ, नथिंग फोन 2 में इस बार आपको 10 न्यू रिंगटोन्स मिल जाते हैं। ये देखो, देखो इसमें नोटिफिकेशन है, और यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये लोएस्ट है, ये मिड है, और ये हाई है। ओके, ग्लिफ टाइमर भी है, यहाँ पर कंपोजर भी मिल जाता है। कंपोजर का रिंगटोन लगा सकते हो। मजा नहीं आ रहा, बचपन की यादें ताजा हो गई। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और एक और चीज, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते तो देखो यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर दे देता है। सो ऐसे ही छोटे छोटे ट्विक किए गए हैं ग्लिफ इंटरफेस में। फ्रंट में आपको एक 6.7 इंच की फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले मिलती है विद LTPO। चारों तरफ आपको सेम बेजल्स मिलते हैं। स्क्रीन साइज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है नथिंग फोन 2 में। डिस्प्ले क्वालिटी इज ब्यूटीफुल, आप कलर्स देख ही सकते हैं। ये एक 10-bit डिस्प्ले है, HDR10+ है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें। डिस्प्ले में आपको इसमें डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलती है। तीन ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, हाई और एक डायनेमिक। ये डिस्प्ले में 1 Hz से लेकर 120 Hz तक चला जाता है। गोरिल्ला ग्लास एक बार ड्रॉप टेस्ट तो बनता है। ये 2-3 feet की हाइट से भाई, 1, 2, 3, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। क्या कह रहे हो, मजा नहीं आया? चलो आपके लिए एक और बार गिरा देता हूँ, 2, 3। भाई साहब, ये तो चलता फिरता ऑन वाला फोन है, कुछ टूटा तो नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। आईपी रेटिंग के लिए नथिंग वालों ने इसमें IP54 दे रखा है। छीटे वीटे डस्ट वस्ट पड़े संभाल लेगा। अगर ये फोन पानी में डूब गयो तो गियो। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको फेस अनलॉक फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसको एक बार चेक करके देखा था भाई, ये फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। इसमें 4700 mAh की बैटरी है, ये 45 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बैटरी देखा जाए तो ये थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है और ये 5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ओके, नीचे लेफ्ट साइड में आपको ये सिम स्लॉट दे रखा है। देख लो भाई, एक ये छेद है, एक ये छेद है। कई बार लोग गलत छेद में डाल देते हैं। ये माइक्रोफोन होता भाई, ये सिम स्लॉट का है, ये सही गड्ढा यहाँ पे डालना होता है, ये बाहर आ जाएगा। डुअल सिम है, SD कार्ड सपोर्ट नहीं है। ये दूसरा गड्ढा, ये माइक्रोफोन है, ये टाइप सी पोर्ट है और ये स्पीकर है। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन है, ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये वॉल्यूम बटन है। इसके कैमरे में आपको सेम डुअल कैमरा यूज किया गया है लास्ट टाइम की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है इस बार जो सेंसर है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। ये जो पहला कैमरा देख रहे हो, ये 50 MP का मेन कैमरा है, लेकिन ये सोनी सेंसर के साथ आता है, सोनी IMX890 सेंसर। और ये एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया
सेंसर है और दूसरा ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। ये सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ आता है। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल सेल्फी यूज किया गया है सोनी MX615 सेंसर के साथ। सच्ची बताऊं ना, मैंने नथिंग फोन 1 भी टेस्ट कर रखा है, एकदम परफेक्ट फोन था, बस टेलीफोटो लेंस मिस किया था मैंने। मुझे शायद लगा था कि नथिंग फोन 2 में टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, नथिंग वालों को टेलीफोटो लेंस लाना चाहिए था। एक्चुअली में दो कैमरे दिए हैं और दोनों कैमरे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं, कोई फालतू कैमरा यूज नहीं किया, ये चीज अच्छी है नथिंग। एक बार सेल्फी लेके देखते हैं भाई। ओहो नो ब्यूटी क्यूटी, ये ठीक है नेचुरल दिखा रहा है। और अगर मैं फोटो देखता हूँ, क्या बात है यार, इनका भी जो कलर साइंस है काफी अच्छा है। स्किन टोन देखो, इट इज क्लोज टू नेचुरल। आप ऐसे जूम करके देखते हो भाई, हल्का सा ये नॉइज आपको मिलता है। एक ये देखो पोर्ट्रेट मोड से, पोर्ट्रेट मोड में कुछ ज्यादा जूम कर लेता थोड़ा सा, बट अगर हम एज डिटेक्शन देखे भाई अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है। बाकी बैकग्राउंड में जो ब्लर है वो भी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। मेन कैमरे से दोस्तों खुद की भी ले लेते हैं और भाई ये देखो फोटो, ठीक है फोटोज अच्छी आई, डिटेल्स अच्छी मिल जाती हैं। और ये कुछ और फोटोज मैंने क्लिक किया है इंडोर आउटडोर डे लाइट कंडीशन में लो लाइट कंडीशन में, और आप फोटोज देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये किस तरह के फोटोज क्लिक कर। फर्स्ट इंप्रेशन में जितने भी कैमरा सैंपल्स देखे हैं डेफिनेटली मैं कहूंगा भाई कैमरे में डेफिनेटली मुझे एक इंप्रूवमेंट नोटिस हुआ। फोन के कैमरे से जो फोटोज निकल के आते हैं बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं, स्पेशली जो पोर्ट्रेट फोटोज होते हैं। हाँ मैं कह सकता हूँ भाई कैमरे में इंप्रूवमेंट किया है नथिंग वालों ने। वीडियो की बात करो तो वीडियो में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60fps है, फ्रंट में 1080p 60fps है, 4K नहीं है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर यूज किया गया है और ये प्रोसेसर भी बढ़िया है, पावरफुल है, पावर एफिशिएंट है। इसमें मैंने एंड्रॉइड रन करके दिखा और जो स्कोर निकल के आया वो 1,71,000 प्लस निकल के आया, तगड़ा स्कोर है रो गेम प्ले के लिए भी। लेकिन जब मैंने इसमें सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट किया थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, परसेंटेज है वो 69% है। इसको आप एक डीसेंट थ्रॉटल ग्राफ बोल सकते हो। एक्साइटेड रो गेम प्ले के लिए। लेकिन उससे पहले यार वीडियो यहां तक देख रहे थे यार लाइक कर दो, दबा दो, फिर उसमें आपको गेम मोड मिल जाता है, यूट्यूब स्ट्रीम भी कर सकते हो, FPS चेक कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, हाईएस्ट सेटिंग्स मिल जाता है अल्ट्रा HD पे और स्मूथ पे स्ट्रीम ऑप्शन है। ओके चलो ग्राफिक्स देखते हैं। ओ भाई एकदम स्मूथ ग्राफिक्स है, स्मूथ गेम प्ले है इसमें। ये पीरो ये देखो लेट टू राम पीरो मनोज सारू हियर, फिर भी उसके सामने लेट रहे हो, देखो अपन घर में घुस के मारेगा। आ जाओ ये देखो पीरो मनोज सारू घुस के मारता है, ये देखो अरे ये देखो दोनों से भिड़ गया। ओ भाई इसमें ग्राफिक्स एकदम स्मूथ है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, कोई लैग नहीं है। चलो क्या करो करे, ये देखो अरे बाप रे अरे लेटू राम। तो गेम खेलते हुए अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा हीटिंग वीटिंग इशू फील नहीं हो रहा, 60fps की गेमिंग स्मूथली मिल रही है भाई। नथिंग फोन 1 से देखते हो तो भाई मुझे परफॉर्मेंस में एक बिग जंप लगा, परफॉर्मेंस इस फोन की सॉलिड है, मल्टीटास्किंग, डिटो ड्राइव यूज, इवन हैवी गेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीन वेरिएंट में आपको ये फोन मिलेगा, 8GB 128GB 12GB 256GB और एक 512GB वाला वेरिएंट भी है। मल्टीटास्किंग तो एकदम स्मूथ है यार, एक बार मल्टीटास्क देख लेते हैं। ओके 10 मल्टी टच है। ओके नथिंग OS 2.0 है लेटेस्ट, बेस है एंड्रॉइड 13 पे। इसके साथ आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सो ये था एक कंप्लीट नथिंग फोन 2 फर्स्ट इंप्रेशन और हैंड्स ऑन में मैंने फोन को जितना भी टेस्ट किया, जो मेन एक बिग अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा वो है परफॉर्मेंस को लेकर, परफॉर्मेंस में एक बिग जंप मुझे लगा। हाँ कुछ चीजें मैं जो फोन में एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि टेलीफोटो लेंस नहीं है और दूसरी चीज फोन IP68 नहीं है और एक और चीज फ्रंट कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। भाई फोन बढ़िया है और जो नथिंग फोन 1 था उसमें लोगों को जो भी शिकायत थी उस चीज को ध्यान में रखते हुए नथिंग फोन 2 में इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इसके कैमरे में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव है, ग्लिफ इंटरफेस को थोड़ा सा और थोड़ा सा बेटर तरीके से ट्विक कर दिया गया है और साथ में नथिंग OS 2 भी लेके आया और OS में भी काफी सारे बग्स वगैरह थे उसको नथिंग OS 2 में फिक्स कर दिया गया है। देखा जाए तो ये छोटी छोटी चीजें यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर करती है और एक फोन को बेटर बनाती है, बस जो प्राइस है वो बढ़िया आ जाए। लेकिन अगर मैं प्राइस को साइड में रखता हूँ भाई फोन बढ़िया है, सच बताओ मैं इसको नथिंग फोन 1 का एक रिफाइंड वर्जन बोलूंगा। मैं छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं नथिंग की तरफ से इस फोन में, ये चीज अच्छी है। एक मिनट ऐसे मत जाओ यार, वीडियो को लाइक करके जाओ और आपके कुछ भी सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हो। पता ना आपको ये फोन कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है, वीडियो को फैला देना और मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।